नागपुर शहर में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के उर्स की धूम मची हुई है, जिसके चलते कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी श्रेणी में 26वीं के मौके पर तजुलवरा 26वीं ग्रुप लंगर समिति की ओर से भव्य लंगर का आयोजन ताजाबाद शरीफ परिसर में किया गया था। आज है नागपुर शहर का वो त्यौहार जिसे मनाने के लिए न केवल पूरे महाराष्ट्र बल्कि दुनिया भर से लोग नागपुर शहर में आते हैं। आज है बाबा ताजुद्दीन का 101वां सालाना उर्स, जिसे मनाने के लिए देश भर से लोग आज ताजबाग परिसर में आए हैं। इसके साथ ही आज 26वीं के दिन हजरत बाबा ताजुद्दीन का शाही संदल निकला, जो आज ताजबाग में पहुंचा और जिसमें लाखों की भीड़ मौजूद रहती है। इसी के साथ ही अभी आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है, जो ना केवल पूरे महाराष्ट्र से बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर उमड़ रही है। दरबार शरीफ में आए हुए तमाम जागरी हजरत से गुजारिश होती उसमें आने वाले हजारों लोग, जो कि भूखे प्यासे सवेरे से अकीदतमंद दरबार शरीफ में आते रहते हैं, इनके खाने पीने का खास ख्याल रखते हुए 26वें ग्रुप की ओर से आज के दिन लंगर का एहतमाम किया गया है। तो हमारे साथ अभी ग्रुप के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर्व पर इस तरह के न्यास का लंगर का एहतमाम कर कैसा महसूस होता है, कितने सालों से इस तरह का एहतमाम किया जा रहा है। सभी नागपुर वासी और पूरे बहुत आज के 101वें उर्स की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप लोग जिस तरह देख रहे हैं कि इस बार 100वें उर्स का भी रिकॉर्ड टूट गया है, पब्लिक इतना ज्यादा है कि 100वें उर्स से भी ज्यादा इस साल पब्लिक है। और हम दो दिन से कंटिन्यू लंगर बना रहे हैं। यहाँ हमारा ताजुलवरा 26वीं ग्रुप है, जो कि हम रोज यहाँ खाना खिला रहे हैं। और आप लोगों ने जैसे शूटिंग में देखा होगा कि इतना बहुत ज्यादा तादाद में पब्लिक यहाँ रोज खाना खा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताजुलवरा 26वीं ग्रुप इसके द्वारा इस तरह के लंगर का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्रुप के सदस्य और भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। कितनी तादाद में अभी तक यहाँ पर लोगों ने खाना खा चुका है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अरशद अली एज अ लेक्चरर पांडे कॉलेज से। हर साल की तरह इस साल भी हम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन का 101वां उर्स मनाया जा रहा है। और इस उर्स की सबसे ज़्यादा खुशियाँ सारे धर्म के लोगों को है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक होकर के ये उर्स का मनोरंजन ये उर्स का लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हो इधर साइड में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक भाई बन करके यहाँ पर सभी हमारे लंगर का लाभ उठा रहे हैं। ये मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हम सब एक होकर के आगे बढ़े, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, ताकि हम सबको आने वाले भविष्य का सबको ख्याल रख सके और आने वाला भविष्य हम सबका अच्छा हो सके। आप सभी को एक 101 साल वा उर्स ताजुल औलिया के जरिए से मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो लंगर का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये ना ही कोई एक धर्म का ना ही कोई एक कम्युनिटी का यहाँ पर लंगर हो रहा है, यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यहाँ पर लंगर हो रहा है। तो आपको ये संदेश जाता है कि सभी भाई हमारे एक हैं और सबको मिलजुल कर रहना है। और इसी बात से मैं अपने दो शब्द ख़त्म करता हूँ। करम की भी
कभी।